मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज हर चीज आपको एबीसी से स्टार्ट कराई जाएगी। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उसमें अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं भी हुआ तो इट्स ओके। ठीक है, तो बेसिकली आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो चार्ट्स को लेकर स्टडी करना होता है, एक आपकी लग्न कुंडली एंड सेकंड वन इज भाव चलित कुंडली, जिसको आप केपी चार्ट भी बोलते हैं। अब कई लोगों का ये सोचना है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपका चलित कुंडली है या जिसको केपी चार्ट वो बोलते हैं, यही सारा कार्य करता है। लग्न कुंडली को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता, बट ऐसा नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्न कुंडली और केपी चार्ट यानी कि भाव चलित चार्ट, इन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है और इन दोनों को ही कंसिडर करके प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है जी, यहां पर भाव चलित चार्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आपका लग्न चार्ट है, जिसको हम राशि चार्ट बोलते हैं, वो आपको प्लैनेट की राशि की इंफॉर्मेशन देता है कि प्लैनेट एक्चुअल में किस राशि के अंदर है। ऐसा क्यों है, हमें दो चार्ट की नीड क्यों आई? दो चार्ट की नीड इसलिए आई कि एक चार्ट हमें प्लैनेट की एग्जैक्ट राशि बता रहा है, दूसरा चार्ट प्लैनेट के एक्चुअल हाउस पोजीशन को बता रहा है कि आइडियली आपका जो प्लैनेट है वो एज पर द हाउस प्लेसमेंट कहाँ है। क्यों? क्योंकि राशि का जो स्पैन है, किसी भी राशि का जो स्पैन है वो फिक्स्ड है, वो हिलने वाला नहीं है, वो जोडियक के अंदर फिक्स्ड है। वो कितना डिग्री है, आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि एक राशि का कितना डिग्री से कितना डिग्री स्पैन रहता है। बेसिकली 0 से 30 डिग्री हर राशि का स्पैन रहता है। तो उसको 30 30 30 डिग्री करते करते जब हमारी 12 राशियां कंप्लीट होती है, हमारा 360 डिग्री का जोडियक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात ये उठती है कि भाव चलित चार्ट क्या करता है। भाव चलित चार्ट ये बताता है कि राशि का स्पैन फिक्स्ड है, लेकिन भाव का स्पैन फिक्स्ड नहीं है। भाव जो है आपका, जो आपका हाउस है, उसका स्पैन छोटा बड़ा हो सकता है। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि उस हाउस को कितना डिग्री से कितना डिग्री का एरिया जो है वो अलॉट हुआ है। और भाव चलित के पीछे जो गणित है, जो लॉजिक है, उस लॉजिक का जो बेस है वो ये है कि अर्थ जो है आपकी आपकी उसका जो रोटेशन है वो स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, यानी कि गोलाकार बेसिकली एग्जैक्ट 360 डिग्री पर है। ठीक है, लेकिन जो रोटेशन है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल ना होके स्लाइटली इलिप्टिकल फॉर्म में है। इलिप्टिकल से आप समझते हैं, स्फेरिकल क्या हुआ? स्फेरिकल गोलाकार है। इलिप्टिकल क्या है? इलिप्टिकल जो है वो स्लाइटली अंडाकार जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो एक सर्कल को अगर आप डिवाइड कर दें, एक सर्कल को आप डिवाइड करें 12 हिस्सों, आपने 12 डिवीजन कर दिए किसी एक सर्कल के, किसी ऐसी शेप के जो स्फेरिकल है नेचर में, तो आपको कितना डिग्री का जो है एरिया मिलेगा? हर एरिया आपके 12 एरिया है, 12 डिफरेंट एरियाज यू हैव। 360 का एक सर्कल है, आपने उसको डिवाइड कर दिया, हर एरिया आपको कितना 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 डिग्री जो है अलॉट कर रहा है, कितना डिग्री अलॉट करेगा? 30 डिग्री ना। अरे भाई, 360 डिग्री का एक सर्कल हो गया, 360 डिग्री का एक सर्कल हो गया, एक सर्कल को आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। आप उसका मेजरमेंट जब करेंगे हर पार्ट का, तो वो 30 30 डिग्री का स्पैन मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब आपका जो रोटेशन है वो स्फेरिकल होगा,
लेकिन आपका जो रोटेशन है वो स्फेरिकल ना होकर क्या है, इलिप्टिकल है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि आपके पास एक इलिप्टिकल शेप है, एक अंडाकार शेप है, और उस अंडाकार शेप का अगर आपको 12 डिवीजन कर दिया जाए तो वो इक्वल डिवीजन मिलेगा कि अनइक्वल डिवीजन मिलेगा? अनइक्वल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलिप्टिकल में क्या है कि जब आप उसका डिवीजन करोगे तो एजेस जहां आ रही हैं उन एजेस पर हो सकता है वो थोड़ा सा एंगल जो है आपका बड़ा हो गया, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आपका एंगल छोटा हो गया। यही कारण है कि हमें भावचलित चार्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज भावचलित चार्ट इस बेस पर बना है कि आपकी अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज इलिप्टिकल, और इलिप्टिकल रोटेशन के अंदर जब आप डिवीजन करते हैं 12, तो वो अलग अलग डिविजन्स होती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो भावचलित चार्ट के अंदर आपको कुछ राशियां गायब मिलती हैं। आप बोलते हो अरे ये राशि कहाँ गायब हो गई, ये तो 2 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर देख रहा हूं। या कई केसेस में आप देखोगे कि पहले घर में भी सेकंड राशि है और सेकंड हाउस में भी सेकंड राशि होगी, तो ऐसे में आपको क्या लगेगा, अरे ये तो या तो राशि गायब हो गई या ये जो राशि है एक्सटेंड कैसे होगी। तो इसके पीछे का भी जो गणित है, ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेबल है चार्ट के अंदर। लेकिन जो आपका ये इलिप्टिकल रोटेशन वाला जो फॉर्मूला है, ये उसके उसका कारण है कि भावचलित चार्ट किस बेस पर बना है, क्योंकि भावचलित चार्ट आपके प्लैनेट की आइडियल पोजीशन बताता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भावचलित चार्ट एंड केपी चार्ट। भावचलित चार्ट और केपी चार्ट यहां पर एक ही बात है, जिस केपी चार्ट की और भावचलित की बात कर रहे हैं हम, वो एक ही है, वो डिफरेंट नहीं है। हाँ, अगर आप पराशरी वाले भावचलित की बात कर रहे हैं और केपी के भावचलित की बात कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर जरूर डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ केपी पढ़ने बैठे हैं तो हम यहाँ पराशरी और केपी के अंदर कौन बेटर है, किसके बीच का क्या डिफरेंस है, वो सब स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आप लोगों को पूरे कोर्स के दौरान जो दिमाग में रखना है कि जब लेक्चर आपका होगा, ठीक है, जब 2 घंटे के अंदर आप लोगों का लेक्चर होगा, तो जो स्टार्टिंग के 1.5 आवर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के होंगे, लास्ट का जो आधा घंटा रहेगा वो आपको क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन उस सेशन में नहीं हो पाया, लेट से कि आपकी पूरी क्लास में लेक्चर हो गया, तो जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की रहेगी उसमें आपका 1 आवर जो रहेगा वो क्वेश्चनेयर हो जाएगा और 1 आवर जो है वो लेक्चर रहेगा। तो बेसिकली आपको हर क्लास में आधा घंटा मिलेगा अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए। दूसरी बात, आप लोग जो भी प्रश्न करेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए उस चीज से जिसको हम पढ़ रहे हैं। अगर वो इररिलेवेंट हुआ तो उसका कुछ आंसर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भावचलित चार्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब अपने प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये देखा होगा कि सपोज करिए आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, पहले घर का स्वामी, मान लीजिए 12th हाउस में है, ठीक, वो लग्न कुंडली में आपको 12th हाउस में दिख रहा है, लेकिन भावचलित में वो 11th में शिफ्ट हो गया, तो ये डेफिनेट है कि आपको जो उस हाउस के रिजल्ट आ रहे होंगे, लाइक आपका जो फर्स्ट लॉर्ड 12th में काम करेगा उससे कहीं ज्यादा जो है वो 11th हाउस में काम कर रहा हो। ये कैसे, ये भी मैं आपको एग्जांपल्स से बताऊं। क्यों?
ऐसा मैंने क्यों कहा? फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब ट्वेल्थ हाउस में जाएगा, तो ट्वेल्थ हाउस किन किन चीजों का है वो आपको किस तरीके की जो इंडिकेशन है वो देगा कि आपके प्रथम भाव का स्वामी, यानी कि आपका लग्न लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला गया, क्या इंडिकेशन हो रहा है आपको? आपको ये इंडिकेशन हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा आइसोलेट रहना पसंद करता होगा, ये फॉरेन में हो सकता है, या ये बहुत खर्चीला होगा, टाइप्स जो भी ट्वेल्थ हाउस की एक्टिविटीज हैं आप उनको लेकर प्रिडिक्शन दोगे। लेकिन जब आप उस प्लेनेट की पोजीशन को भावचलित में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड हैज गोन इनटू 11th हाउस, तो इसके बिल्कुल विपरीत सा लगेगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि पहले जो प्लेनेट 12th हाउस में आपको दिख रहा था वो आइडियली कहाँ आ गया? 11th हाउस में आ गया। अब आप क्या कहेंगे? यार ये व्यक्ति बड़ा सोशल होगा, इसको यारों दोस्तों में रहना बड़ा पसंद होगा। वहां हम क्या देख रहे थे? वहां हम देख रहे थे इसको आइसोलेशन पसंद है, और यहां पर वो 11th में चला गया, यानी कि 12th से कहां चला गया? 12th से 12th हो गया, यानी कि जिस घर को आप स्टडी कर रहे थे ये उसके ठीक 12th आ गया, तो बिल्कुल अलग। ऐसे ही किसी का फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में है, तो पहले भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी जो कि हो आप चले गए कौन से हाउस में? 6th हाउस में। हम ये कह सकते हैं इस व्यक्ति को डिजीज रहेगी, ये व्यक्ति बीमार रहेगा, इसको हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो लाइफ में आएंगे, ये सब बोल सकते हैं उसकी लग्न कुंडली को देख के। लेकिन हमने जब केपी चार्ट खोला तो केपी चार्ट में हमने देखा कि वो जो लग्न लॉर्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर गया? वो 5th हाउस में शिफ्ट कर गया, पंचम भाव में। तो पंचम भाव में शिफ्ट होने से क्या हुआ? 6th हाउस का क्या हुआ? What happened to the 6th house? उसका 12th हो गया, 12th to 6th negation हो गया, result का है, result क्या है? result 5th house के आ गए। मतलब हम तो पहले उसको बोल रहे थे बीमार रहेगा, अब हम क्या बोलेंगे? अरे ये बहुत एंटरटेनमेंट लवर व्यक्ति होगा, ये बहुत लर्निंग वगैरह में इन्वॉल्व रहता होगा, इसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद होंगे। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये क्यों पिक्चर में आती है? ये इसलिए पिक्चर में आती है क्योंकि भाव चलित कुंडली या केपी चार्ट या भाव चलित चार्ट आपको आपके प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन के बारे में बताता है कि जिस प्लैनेट को आप एक्चुअल में स्टडी करने जा रहे हैं कि वो कौन से घर का रिजल्ट आपको डिलीवर करेगा, उस रिजल्ट की डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी आपको भाव चलित चार्ट से मिलती है, और वो ब्यूटिफुली काम करती है। तो ये प्लैनेट का एक्चुअल हाउस पोजीशन केपी चार्ट से पता चलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जो हमारा लग्न कुंडली है उसका कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं करता ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लग्न कुंडली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा चमत्कारी मानती है, मिरेकुलस प्लैनेट हैं दोनों। ये कौन है? राहु और केतु। अब राहु केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं कि जिनको समझना, जिनकी केपी स्क्रिप्ट को समझना बहुत इजी काम नहीं है, थोड़ा सा कह लीजिए जितना इजीली आप बाकी प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, राहु केतु को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? अपना रिजल्ट देते हैं, जिस राशि में बैठे हुए उसका रिजल्ट देते हैं, जो प्लैनेट देख रहा है उसका रिजल्ट देते हैं, जो साथ बैठा है उसका रिजल्ट देते हैं। कहने का मतलब कि इनकी पोजीशन भी काम करती है, इनका एस्पेक्ट भी काम करता है, इनका कंजंक्शन भी काम करता है। लेकिन जब हम इनका एस्पेक्ट और कंजंक्शन स्टडी करते हैं, जब इनकी राशि पोजीशन को जो है वो हम लेते हैं, तो इन सब के पीछे का बेस क्या रहता है? इन सब के पीछे का बेस रहता है लग्न कुंडली। क्योंकि किसी भी ग्रह की राशि को आप कहां से उठाएंगे? लग्न कुंडली से उठाएंगे। किसी भी ग्रह का दूसरे ग्रह से युति होना या दृष्ट होना कहां से उठाएंगे? लग्न कुंडली से उठाएंगे।
तो लग्न कुंडली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इतना ही ज्यादा काम आपको आएगी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो प्रकार से आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे, दो तरीके हैं प्रिडिक्शन करने के, एक है बर्थ चार्ट, दूसरा है पीके मींस प्रश्न कुंडली, या जिसको केपी होरारी भी बोलते हैं। प्रश्न कुंडली थोड़ा सा ऑथेंटिक इसलिए है, मतलब थोड़ा क्या ऑथेंटिक ही है, बर्थ चार्ट की ऑथेंटिकेशन कई बार थोड़ा सा डाउट में रहती है, बिकॉज कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव टूल है। टाइम सेंसिटिव टूल से मतलब क्या, कि केपी एस्ट्रोलॉजी में आप जो कुछ भी, पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी में आप जो कुछ भी प्रॉमिस के रूप में देखते हैं, लाइक इस व्यक्ति के जीवन में ये प्रॉमिस है, इस व्यक्ति का जीवन काल ऐसा रहेगा, इसकी शादी ऐसी रहेगी, इसकी एजुकेशन ऐसी रहेगी, इसके बच्चे ऐसे रहेंगे, टाइप्स, ये सब चीजें जब आप देखते हैं, जब सब चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में, इन सभी प्रॉमिसेस के बारे में आपको कौन इंफॉर्मेशन देता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड से मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपने ये शब्द को समझना, कस्प हिंदी में हम भाव बोलते हैं, घर बोलते हैं, आप हाउस भी बोल सकते हैं और आप कस्प भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं कस्प कह रहा हूं तो मैं हाउस भी बोल रहा हूं, मैं घर भी बोल रहा हूं, मैं भाव भी बोल, यानी कि अगर मैंने बोला फर्स्ट कस्प मतलब पहला भाव, सेकंड कस्प मतलब सेकंड हाउस, थर्ड कस्प मतलब थर्ड हाउस, यानी कि कस्प मींस हाउस, समझ लीजिए चीज। तो किसी भी हाउस की जानकारी हमने निकाल ली, किसी भी घर की, वो हम कस्पल सब लॉर्ड के बदौलत निकाले, कस्पल सब लॉर्ड जो हमें बताएगा वही इंफॉर्मेशन है उस घर की। किसी की हेल्थ जाननी है कि ये भैया कितना कैसा हेल्दी रहेगा कि अनहेल्दी रहेगा, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड। किसी की वेल्थ जाननी है, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड। भाई बहनों के बारे में जानना, थर्ड कस्पल सब लॉर्ड। प्रॉपर्टी एजुकेशन के बारे में जानना, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड। बच्चा फिफ्थ। नौकरी, डिजीज, पेमेंट, लोन, पेमेंट, रीपेमेंट सिक्स्थ। शादी सेवन्थ। आयु मतलब लॉन्जिविटी एट्थ। नाइन्थ हायर लर्निंग। टेंथ करियर। इलेवेंथ गेन्स। ट्वेल्थ इन्वेस्टमेंट। किसी भी हाउस के बारे में जानना है, कस्पल सब लॉर्ड बताए, दशा क्या करेगी? जब बता सब कुछ कस्पल सब लौट देगा तो दशा क्या करेगी? दशा ये करेगी कि आपके कस्पल सब लौट ने जो चीजें आपके लाइफ में प्रॉमिस की हैं, दशा उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करेगी। कस्पल सब लौट ने कहा कि इस व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी और दशा भी वैसी आ गई जो शादी में प्रॉब्लम दिखा रही है। मतलब क्या है कि इस समय पर इस व्यक्ति को मैरिटल इश्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फिर तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा, वो है इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का पार्ट। इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट,
इन्वॉल्वमेंट जो शब्द है, इन्वॉल्वमेंट जो शब्द है उससे आप लोगों को क्या इंडिकेशन आता है? इन्वॉल्वमेंट का हिंदी में अर्थ क्या है? शामिल होना, किसी चीज के अंदर शामिल करना। तो प्लैनेट की स्क्रिप्ट को जब आप स्टडी करते हैं, प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को जब आप पढ़ते हैं, तब आपको इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट के फंडे पर काम करना पड़ता है। ये फंडा समझ लिया, प्लैनेट का नेचर समझ में आ जाए, ये प्लैनेट क्या करेगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, सब चीजें करेंगे आप, मैं सिर्फ आपको एक टेस्ट दे रहा हूं। कल कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हाउस से ही स्टार्ट करेंगे, घर से ही स्टार्ट करेंगे। बेशक आपने घर पढ़ रखे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट से ही स्टार्ट करूं। तो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी चीज का शामिल हो जाना आपकी लाइफ। आपने घर खरीदा, किस घर के इन्वॉल्व होने के कारण खरीदा? कोई तो घर इन्वॉल्व हुआ होगा कि घर खरीदा, फोर्थ हाउस। अब इन्वॉल्व होना बताता है कि ये घर आपके जीवन में शामिल हो गया। कमिटमेंट क्या बताती है? कमिटमेंट ये बताती है कि ये जो घर आपके जीवन में शामिल हुआ है, ये घर आपके लिए क्या लेकर आया है? खुशी लेकर आया है कि दुख लेकर आया है? सिंपल सा फंडा। तीन चीजों को समझना। पहला कस्पल सबलॉन, दूसरा दशांतर दशा, तीसरा इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। ये तीन चीजों को समझ लिया, केपी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट दिमाग में घुस गई आपके। फिर उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी, आप उसको कितना पका रहे, क्या कर रहे हो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है जिस पे मैं आप लोगों को बहुत फोकस करने को कहूंगा या करवाऊंगा, वो है कारक तत्व। कारक तत्व इसको बहुत रेयरली लोग स्टडी करते हैं। अरे क्यों? क्योंकि सब लोगों का यह मानना है केपी तो हाउस ग्रुपिंग का खेल है, 2-7-11 आ गया, काम खत्म हो गया, शादी हो गई, बढ़िया। 4-11-12 आ गया, प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन जब आप हाउस को पढ़ते हैं या हाउस ग्रुपिंग को पढ़ते हैं, उस हाउस ग्रुपिंग में प्लैनेट के कारक तत्वों का रोल बड़ा अहम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जो खुरापाती ग्रह, खुरापाती इन द सेंस जो डिस्टर्बेंस क्रिएटिंग प्लैनेट है, दैट इज राहु। अब राहु काम कैसे करेगा? आपने आपकी कस्पल सबलॉर्ड टेबल है, आपके हर हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। कई दफा क्या होता है कि प्रॉमिस के रूप में आपको नंबर मिल जाते हैं, आपके फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड ने आपको 2-5-11 जैसे नंबर दे दिए, आपने सामने वाले को कुंडली दिखाई, सामने वाले ने बोल दिया ठीक है भाई हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर सारे हैं जो 2-5-11। लेकिन अचानक से आपकी नजर पड़ी किस पे, कि फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड का प्लैनेट कौन है, कौन वो प्लैनेट है जो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड बना। तब आपने देखा ये तो राहु है। इसका मतलब क्या है कि संतान पक्ष में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी, 100% रहेगी। वहीं आपने फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड के रूप में कौन देखा?
शनि देखा, सैटन। संतान होने में देरी हो सकती है, क्यों हो सकती है? हु इज द कारका ऑफ देरी? सैटन। संतान बहुत आइडियलिस्टिक होगी, क्यों होगी जी? कौन है आइडियलिज्म का कारक? जुपिटर। संतान बहुत एग्रेसिव होगी या एनर्जेटिक होगी, क्यों? संतान बहुत इगोइस्टिक हो सकती है, अथॉरिटेटिव हो सकती है, सूर्य। संतान बहुत इमोशनल हो सकती है, बहुत सेंसिटिव हो सकती है, चंद्रमा। नियम है पराशरी के, लग रहे हैं केपी पर और काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये नियम नहीं है, ये बेसिक है। किस चीज का बेसिक है? ये कारक तत्वों का बेसिक है। आप जितना बेसिक से जुड़ेंगे उतना आपको गणित समझ में आ जाएगा। आपके जीवन का कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, आपके बाल से लेकर आपके पांव के नाखून तक, आपके पेन से लेकर आपकी गाड़ी तक, आपके सारे प्रश्न 1 से लेकर 12 हाउसेस के बीच में कहीं ना कहीं है। कोई प्रश्न प्रथम भाव से है, कोई द्वितीय भाव से है, कोई तृतीय भाव से है, कोई चतुर्थ से है, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो ये 12 के 12 जो भाव है, इसमें आपका जो कंसर्न है वो लाई करता है। आपका कंसर्न प्रॉपर्टी का है, मतलब आप फोर्थ हाउस की कंसर्न लिए बैठे हो। आपका कंसर्न बच्चे से है तो फिफ्थ हाउस का जो है प्रॉब्लम लिए बैठे। तो उस कंसर्न के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है? उस कंसर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको कस्पल सब लॉर्ड। मुझे आपकी कोई भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, सबसे पहले मैं आपका कंसर्न्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड स्टडी करूंगा। आप कहोगे सर हम प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? जरा देखिए, तो आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं बना पा रहे, इस बात की इन्फॉर्मेशन कौन देगा मुझे? कस्पल सब लॉर्ड देगा। तो कस्पल सब लॉर्ड क्या बन जाता है? कस्पल सब लॉर्ड इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवर ऑफ केपी। कौन है कस्पल सब लॉर्ड? कस्पल सब लॉर्ड इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवर ऑफ केपी, यानी कि मुझे कोई भी डेटा उठाना है आपकी लाइफ का, वो डेटा मुझे उठा के कौन देगा? कस्पल सब लॉर्ड देगा। दशा क्या करेगी? दशा मेरी सिचुएशन को बताएगी कि मेरी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, किस लिहाज से चल रही है, मैं किन किन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हूं। आपका प्लेनेट इस समय 4-9-11 दे रहा होगा मान लीजिए, और 4-9-11 की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो मैं कहूंगा अरे आजकल तो आप पूरा पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो भाई। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। आपका 5-8-12 चल रहा होगा, अरे पक्की बात है, मौज मस्ती चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है हिडन अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है टाइप। अगर आपका 10th हाउस इन्वॉल्व है तो करियर में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवर कौन है? कस्पल सब लॉर्ड। सिचुएशन टेलर कौन है? दशा। बस इन्हीं 3-4 चीजों का प्ले है केपीएस एस्ट्रोलॉजी। कस्पल सब लॉर्ड को समझना है, दशा को समझना है, और इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट को समझना। इन 3 चीजों को अच्छे से समझ लिया, केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। कोई बड़ा गणित नहीं है।
लॉजिकल है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो थोड़ा 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 समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। कल से हम कंप्लीटली इसको स्टार्ट करेंगे। आपकी स्टार्टिंग होगी बेसिक्स। बेसिक में हाउसेस क्या है, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का कारक तत्व क्या है, राशि क्या रोल प्ले करती है, राशि का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों राशि चाइल्ड बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों राशि करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लैनेट किसी एक राशि में है, आपको कौन सा बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करना है, कौन सी राशियां ऐसी हैं जिसमें अगर आपका प्लैनेट आ गया तो वो आपके चाइल्ड बर्थ को कंप्लीटली डिनाइल कर देता है, बेशक आपके पास नंबर की है। डॉक्टर रिपोर्ट्स को बाद में टेस्ट करके बोलेगा, आप पहले बोल दोगे देखो आपको आपकी रिपोर्ट्स गलत आएंगी, चाइल्ड बर्थ पॉसिबल नहीं है। कौन सी चीज ऐसी है जिसके थ्रू आप ये बता दोगे आपको ये प्रकार की बीमारी होगी, ये बीमारियों से आप बच के रहिएगा, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो भी पता चलेगी। तो हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, हर सिचुएशन को स्टडी आप कर पाओगे, उसके बाद में देन आपका प्रश्न कुंडली पाठ। प्रश्न कुंडली क्यों? बिकॉज हर समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर व्यक्ति का बीटीआर करने बैठे, उसको बताओ क्या उसका बर्थ टाइम ठीक है कि नहीं है। तो बीटीआर भी आप करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज आप लोग करेंगे जिसको हम केपी न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, जो आपको ऑप्शंस बहुत बढ़िया बताती है। ऑप्शंस इन द सेंस कि आप चार, आपके पास चार ऑप्शंस। अब ऑप्शंस तो लाइफ में हर मोड पे आपको मिलते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ऑप्शंस है, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ऑप्शंस है, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो भी ऑप्शंस है, अगर स्कूल चूज कर रहे हैं तो भी ऑप्शंस है, कॉलेज चूज कर रहे हैं तो भी ऑप्शंस है। तो ये जब भी आपके पास कोई भी ऑप्शनल चॉइस आती है, जो कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर ठीक है, तो केपी न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कौन सा ऑप्शन ठीक है, बेस्ट है। छोटी से छोटी चीज में जो है काम करती है। बीजेपी कितनी सीट लाएगी, केपी न्यूमरोलॉजी बता देगी। आप कितनी परसेंटेज लेकर आओगे, केपी न्यूमरोलॉजी बता देगी। ये जो ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन में जितने भी डब्बे हैं उन डब्बों में से कौन से डब्बे से जो मेरा पैसेंजर है जो आ रहा है वो उतरेगा, केपी न्यूमरोलॉजी बता दे। बड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है आपकी, काम करती है, लॉजिकल भी है, लेकिन इनसे खेलना नहीं होता। इनको तब यूज में लेकर आना होता है जब एक्चुअल में आपकी जो क्वेरी है वो जेन्युइन है। क्या हम राइट बर्थ टाइम भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी, वही बीटीआर है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वही है, सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और आप लोगों ने थोड़ा भी बेसिक पे ध्यान दिया तो मेरे बीटीआर सिखाने से पहले पहले आप बीटीआर सीख जाएंगे। लेकिन जब भी मैं किसी चीज पर आपको बोलूं कि इस चीज पर फोकस कीजिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा, कहने का अर्थ क्या है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, देन फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे 9 बजे। आप लोगों ने बीटीआर की बात की, कई लोग बीटीआर कहते हैं कि जी मेरी कुंडली में बीटीआर मेरे को चाहिए, कैसे पता चले मेरी कुंडली अच्छी है या अच्छी बुरी, तो बाद की बात हो गई, सॉरी, मतलब ये बर्थ जो है वो बर्थ ठीक है कि गलत है।
तो कुछ चीजें आपके पास ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत इंडिकेट कर देती हैं कि आपका बर्थ ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में ऐसा हर कोई व्यक्ति है जिसके पास घर है। किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का घर बहुत हवादार है, किसी के घर के पास कोई गार्डन है, किसी के घर के पास कोई बहुत बड़ा वाटर सोर्स है। अगर आपका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ा होगा तो आपके घर की दशा ऐसी होगी, ये आपका फोर्थ सीएसएल बता देता है। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक्सपेंडिचर करता है, हर व्यक्ति किसी ना किसी कार्य पर जो है वो धन का व्यय करता है, खर्चा करता है। तो आप किस प्रकार का व्यय करोगे, किस प्रकार का खर्चा आपका रहेगा, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस के सीएसएल से आपको पता चल जाएगा। आप कौन सी बीमारी से पीड़ित रहेंगे, कौन सी बीमारी आपको दुखी कर सकती है लाइफ में, किस प्रकार की डिजीज जो है आपको रहेंगी, ये आपको कौन बताएगा? 6th कस्पल सब लॉर्ड बता देगा। फिर 10th कस्पल सब लॉर्ड ये बता देता है कि आप अपने जीवन में करियर के अंदर किन किन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, किस प्रकार का करियर जो है वो आपका हो सकता है। तो इन चीजों को जब आप मैच करते हो अपने बर्थ चार्ट से, तो यदि आपका बर्थ चार्ट सही है तो ये कस्पल सब लॉर्ड की थ्योरी ये एग्जैक्टली काम करती हुई मिलेगी। एग्जाम्पल फिर दे देता हूं, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। धार्मिक प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। अब मुझे सपोज करिए आपका, मेरे पास बर्थ चार्ट आ गया, मैंने आपका बर्थ चार्ट खोला, मैंने आपका बर्थ चार्ट खोलते ही देखा कि आपका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड यानी कि आपके चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे क्या होगा? आपका घर बहुत बड़ा है, आपके घर में धार्मिक माहौल रहता है, धार्मिक माहौल तो लगभग लगभग हर किसी के घर में पूजा पाठ होते हैं, लेकिन जुपिटर जब आपका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड बनेगा तो वो किस प्रकार की चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर देगा आपके घर में? रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस एक्टिविटीज कैसे होती है? भजन कीर्तन के तौर पे, यज्ञ के तौर पे। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके घर में टाइम टाइम टू टाइम रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने खुद ये कंफर्म कर दिया कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेथडोलॉजी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी पूरी तरीके से काम करते हैं, तो बीटीआर एक्सपर्ट आप लगभग लगभग बन जाओ। बाकी आपके ऊपर आप कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कैसे उसको आगे करते हैं, क्योंकि कोई भी ज्योतिष हो, चाहे केपी हो, पराशरी हो, लाल के काम, एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप बर्थ चार्ट पर कितना स्टडी कर रहे हैं। आप जितनी कुंडलियां देखोगे, जितने बर्थ चार्ट आप अपने हाथ से निकालोगे, उतना पारंगत आप होते जाओगे किसी भी विद्या। ठीक है जी, तो आपका मेन काम रहेगा कि मैं जिन भी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को आपने नंबर ऑफ हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस करना है। और नंबर ऑफ हॉरोस्कोप पर भी प्रैक्टिस ना करो तो एक काम करना, पूरी क्लास के दौरान अपना हॉरोस्कोप उठा लेना और अपना हॉरोस्कोप सामने रख के बैठ, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मजा किसी हॉरोस्कोप पे काम करने में आता है तो वो अपने में आता है ना। आज तक भी आप लोग अपने हॉरोस्कोप को देखते रहते हो, अच्छा ये छठा घर ये दिखा रहा है, ओहो ये बीमारी दिखा रहा है, ये मेरे को है, क्या बात है, मेरे पे फिट बैठ रहा है। तो जब चीजें अपने पे फिट बैठती है ना तो आदमी को लगता है वाह ये विद्या काम कर रही है, अपने पे फिट नहीं बैठती तो बोल देते हैं अरे बेकार है, कुछ नहीं रखा है ऐसे। तो अपना हॉरोस्कोप सामने रख के बैठना, उससे क्या है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और जिन अपने प्रश्नों के लिए भी आप भागते फिरते हो उसके भी जवाब आपको बहुत सारे इसी में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हमने इतना ही रखा है, कल शाम 9 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास है कल, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।
अरे भाई मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग नहीं है, 9 बजे उठ भी नहीं पाता हूँ मैं।